ये बहुत बड़ी सजा है। सारी जिंदगी इंसान बाकी सारे काम दिलचस्पी से करे और नमाज उस पर बोझ रहे तो उसे तौबा करनी चाहिए कि कहां कोई ऐसी कोताही है जिसकी वजह से ये सारा कुछ है। मेरे भाई, जब मोहब्बत होती है फिर सजदे भी तवील होते, जब मोहब्बत होती है फिर कुरान पाक की तिलावत की भी कसरत होती है, जब मोहब्बत होती है सारे काम आसान हो जाते हैं। हुजूर से मोहब्बत करें, वो कैसे पैदा होगी? दुरूद व सलाम ज्यादा पढ़ा करें, हुजूर की नातें ज्यादा सुना करें। और नात के लिए महफिल जरूरी नहीं होती, अब तो टेप रिकॉर्डर पे भी नात मिल जाती है। रात को कोशिश करें नात सुन के सोया करें, नात सुन के। मुझे एक संगी ने कहा एक दफा कि मोहब्बत रसूल बच्चों में पैदा करनी हो तो क्या तरीका है? तो मैंने कहा मैंने तो एक बुजुर्ग को देखा है, मेरा ख्याल है उस तरह मोहब्बत पैदा हो ही जाती है। एक है, मैं तकरीर कर रहा हूँ मोहब्बत रसूल पे, तो ये तो कई दफा रटे रटाए जुमले भी हो सकते हैं। एक है, मेरे बच्चों में जब मोहब्बत रसूल पैदा होगी तो वो मेरा अमल देखेंगे, उससे मोहब्बत करेंगे। एक बुजुर्ग घर में लेटे अचानक रोने लगे, बीवी जागी, बच्चों को जगाया, पता करो। बच्चे कहने लगे अम्मा आप पूछें। पूछ के बाहर आई कमरे से, अम्मा अब्बा को क्या है? कि तुम्हारे वाली बात नहीं, इतना जोर जोर से क्यों रो रहे हैं? कोई हकीम तबीब का मामला है, डॉक्टर का तो बुलाते हैं। का बेटा तुम्हारे वाली बात, का अम्मा बताएं तो सही माजरा क्या है? का बेटा कुछ भी नहीं, तुम्हारे अब्बा को मदीना याद आता है, रसूलुल्लाह का शहर याद आता है, उस दर्द से रो रहे हैं। बताओ बच्चों में मोहब्बत रसूल पैदा होगी कि नहीं होगी? वो तड़प आएगी कि नहीं आएगी? वो समझेंगे ना इस बात को कि ये भी एक दुख है, ये भी एक तकलीफ है। लेकिन अगर अब्बा सिर्फ इसीलिए रोए कि 10 लाख डूब गया है, सिर्फ इसीलिए रोए कि वो सामने वाला प्लाट नहीं मिल रहा, तो फिर बच्चों में मोहब्बत नहीं पैदा होती, लालच ही पैदा होता है। अमल हमारा, किरदार, कुछ तो आंसू ऐसे हों जो हमने नबी पाक के लिए संभाल के रखे, जो मदीना शरीफ जाके बहाने हो, महफूज करके रखे हों। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह हमें अपने महबूब की सच्ची गुलामी अता फरमाए, गुलामी में जिंदा रखे, गुलामी में मौत अता फरमाए। आमीन। आखिर दावा।